नमस्कार जी, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मैगी। उसके लिए हमें ये सब्जियाँ चाहिए, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और थोड़ी सी एक कटोरी मटर और एक टमाटर कटा हुआ बारीक और हरा धनिया कटा हुआ और एक मैगी का पैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये मैगी को उबालने के लिए पानी रख देते हैं। जब ये पानी उबलने लग जाएगा तो हम पैकेट को, अब पानी उबलने लगा है तो एक पैकेट मैगी को इसमें छोड़ देंगे। और ये पकने लग जाएगा और इधर हम सब्जी की तैयारियां कर लेते हैं। और आप देखिए ये अब पक चुकी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको इसमें छान देते हैं। जब तक इसका पानी निकलेगा इतना हम सब्जियों को भून देते हैं। अब हम इसमें घी को डाल देते हैं। आप तेल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, तो हम घी डाल रहे हैं। इसके बाद हम मटर को डाल देते हैं। हम गाजर डाल देते हैं। अब हम शिमला मिर्ची को डाल देते हैं। और अब पत्ता गोभी डाल देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें थोड़ी सी जरा सी हल्दी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। और अब हम इसको एक बार हिला के देख लेते हैं। ये अब ये हल्की हल्की पक चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। एक कटी हुई हरी मिर्ची। और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इनको एक बार फिर ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। और अब हम इसमें इसको देख लेते हैं।
कि सब्जियां पक चुकी हैं या नहीं। और हम इसमें देख रहे हैं कि अब ये सब्जियां पक चुकी हैं, आप भी देख लो, देख सकते हैं ये पक चुकी हैं। अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं। और हम इसमें ये मैगी मसाला डाल देते हैं। अब इसको मिला देते हैं अच्छे से। आप देख सकते हैं एक मैगी में अगर आप अच्छी सारी ढेर सारी सब्जियां काट के डालोगे, अब सीजन भी है सब्जियों का और बच्चों को आप अच्छे से खिला सकते हो। ढेर सारी सब्जियां आप काट के इसमें डालोगे तो ढेर सारी आपकी एक ही मैगी में, एक मैगी के पैकेट में भी अच्छी सारी आपकी ज़्यादा सारी मैगी बन जाएगी कि बच्चे पेट भर के आराम से खा सकते हैं इसको। अगर आप सब्जियां नहीं डालोगे, खाली मैगी को उबाल देते हो तो इतना मतलब कम रहती है, अब इसमें ज़्यादा सारी हो जाती है देखो सब्जियों में। और अब हमने मसाला डाल दिया, देखो अच्छे से मसाला डल चुका है और अब हमारी मैगी तैयार है। अब हम इसको उतार लेते हैं गैस से और अब हम इसको इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। और अब हम इसको हरे धनिया से थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें बटर भी डाल सकते हो और टेस्ट बढ़ जाएगा बटर डालने से। और अब हमारी ये ड्राई मैगी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।